हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज है 5 मार्च। तो 5 मार्च के आपके जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस होंगे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी टेलीग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा है अपने मोबाइल फोन्स में, सो उस पर आप @currentaffairsbyravi लिखकर सर्च करेंगे तो हमारा करंट अफेयर का पर्सनल ग्रुप आ जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा, पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे। या फिर आप @shriEducation लिखकर भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ से पीडीएफ भी मिलता रहेगा और लेक्चर जितने भी अपलोड होते हैं हमारे चैनल पर उनकी नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। ठीक है, सो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम टेस्ट डिस्कस करते हैं, सो आज 4 मार्च का सबसे पहले टेस्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे आज का करंट अफेयर। सो कल का टेस्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में किसने सुपोषित माँ अभियान शुरू किया है। तो सुपोषित माँ अभियान जो है ये ओम बिरला ने शुरू किया है। बी ऑप्शन आपका सही है, काफी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया था। और अब स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर। बट उससे पहले आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में उसके जो बेल आइकन का निशान आता है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हाल ही में 4 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। सी ऑप्शन आपका सही है। सबसे पहले आपको उद्देश्य बताऊंगी कि ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है ये क्यों मनाया जाता है। तो इसका उद्देश्य यही है कि सुरक्षा उपायों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए। ठीक है, लोगों की नेग्लिजेंस की वजह से ही दुर्घटनाएं होती है ना, तो सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूक करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। और किसके द्वारा ये दिन मनाया जाता है ये भी आपको बताऊंगी, पर उससे पहले आपको बता दूं कि ये जो दिन है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, इसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। किस दिन के रूप में? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद स्थापना दिवस के रूप में भी इसे जाना जाता है। और ये जो दिन है ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के द्वारा ही मनाया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के द्वारा, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, उस दिन 4 मार्च को। सो इसीलिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए आपको ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। बट मार्च के मंथ में जो इम्पोर्टेंट है सेलिब्रेट किए गए सबसे पहले, वो आपको रिवाइज करवाऊंगी क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सो देखिए, 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे सेलिब्रेट किया गया। 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया गया, शून्य भेदभाव दिवस। उसके बाद 3 मार्च को मैंने कल आपको पढ़ाया था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट डे सेलिब्रेट किया गया 3 मार्च को ही, वर्ल्ड हियरिंग डे, वो भी आपको याद रखना है। और 4 मार्च अभी पढ़ा दिया मैंने आपको, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए मार्च के मंथ में जो कि नोट करने हैं। और जो फरवरी के मंथ के इंपॉर्टेंट डे थे ना, और प्लस उनके थीम मैंने टेलीग्राम पे दे दिया है, वो आप लोग चेक कर सकते हैं वहां से। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है कि जम्मू नगर निगम ने जम्मू विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया। तो जम्मू नगर निगम ने हाल ही में जम्मू विश्वविद्यालय जो है उसका नाम बदल कर महाराजा गुलाब सिंह के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले आपको महाराजा गुलाब सिंह के बारे में बताऊंगी। देखिए, जो महाराजा गुलाब सिंह थे ना, ये डोंगरा वंश के संस्थापक थे। इन्होंने डोंगरा वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और 1846 में ये जम्मू एंड कश्मीर के पहले सम्राट भी बने थे। कब पहले सम्राट बने जम्मू कश्मीर के? 1846 में। और इन्होंने ही, महाराजा गुलाब सिंह ने ही 1846 में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, महाराजा गुलाब सिंह ने ही 1846 में अमृतसर की संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, सो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें महाराजा गुलाब सिंह के बारे में याद रखनी है, और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कल भी मैंने आपको जम्मू से रिलेटेड एक करंट अफेयर पढ़ाया था, वो भी रिवाइज करवा देती हूँ एक बार। मैंने आपको पढ़ाया था कि जम्मू का एक चौक था, उसका नाम बदलकर भारत माता चौक कर दिया गया। तो वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, जम्मू चौक का नाम बदलकर भारत माता चौक कर दिया गया, कल मैंने आपको करंट अफेयर पढ़ाया था। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। सो वो भी करंट अफेयर आपको याद रखना है।
अगला करंट अफेयर क्वेश्चन है, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? तो 108वीं जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस ऑर्गेनाइज की जाएगी 2021 में नेक्स्ट ईयर, उसकी मेजबानी पुणे करेगा। डी ऑप्शन आपका सही है, पुणे आपको पता है मुंबई में, महाराष्ट्र में पुणे है। सो महाराष्ट्र के अंदर पुणे में ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा भारतीय विज्ञान कांग्रेस, इसकी मेजबानी की जाएगी पुणे के द्वारा 2021 में ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ये याद रखना है। कब से कब तक ऑर्गेनाइज की जाएगी ये बता दें, तो 3 से लेकर 7 जनवरी तक इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, 3 से 7 जनवरी तक, ठीक है। और अगर ये 2021 में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो इसका थीम आपको बताऊंगी, थीम क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सो 2021 का थीम होगा इसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। क्या थीम है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट, ये आपको नोट करना है। और ये जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस है ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो ये जो सम्मेलन है ये इंडिया साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, इंडिया साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसके बारे में आपको बता देती हूँ, देखिए इसकी स्थापना अगर पूछी जाए तो 1914 में हुई थी, हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में है वेस्ट बंगाल के अंदर, और अध्यक्ष का नाम याद रखना, तो अध्यक्ष हैं KS रंगप्पा। क्या नाम है? KS रंगप्पा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई भारतीय विज्ञान कांग्रेस से रिलेटेड। महाराष्ट्र के बारे में बताती हूँ क्योंकि पुणे महाराष्ट्र में, तो यहाँ पर महाराष्ट्र कैपिटल है मुंबई, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा की सीटें 48, राज्यसभा सीटें 19, विधानसभा सीटें 288 हैं। फोक डांस पवारी नाच और नेशनल पार्क संजय गांधी नेशनल पार्क, और तदोबा अंधारी टाइगर रिजर्व भी एक फेमस है वहाँ का। सो ये आपको याद रखना है महाराष्ट्र के बारे में, स्टैटिक जीके वाला पोर्शन हो गया इस क्वेश्चन में आपके लिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में MMTC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन बने? तो MMTC लिमिटेड के जो अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर MD जो बने हैं उनका नाम है सुधांशु पांडे। ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है यहाँ पर। सुधांशु पांडे के बारे में बताऊंगी, देखिए सुधांशु पांडे जो है ये इससे पहले यानी कि MMTC लिमिटेड के अध्यक्ष और MD बनने से पहले वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव थे। कौन थे ये? वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव थे, ये आपको नोट करना है, ठीक है। और सुधांशु पांडे ने किनकी जगह ली है? तो सुधांशु पांडे से पहले MMTC लिमिटेड के MD जो थे उनका नाम था वेद प्रकाश, ठीक है, वेद प्रकाश की जगह ली है सुधांशु पांडे ने। अब यहाँ पर हम MMTC के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले नोट करेंगे आप लोग। फुल फॉर्म है मेटल एंड मिनरल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। क्या फुल फॉर्म है? मेटल एंड मिनरल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, ठीक है, ये आपको याद रखना है MMTC की फुल फॉर्म। स्थापना अगर पूछी जाए तो 1963 में हुई है, हेडक्वार्टर अगर पूछे तो हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई इस क्वेश्चन के बारे में, MMTC के बारे में आपको इंपॉर्टेंट नोट करना है, बार बार बता रही हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ ऑर्गेनाइज की जा रही है? तो अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप जो है ये हाल ही में हरियाणा में ऑर्गेनाइज की जा रही है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही है, हरियाणा में इस चैंपियनशिप को हाल ही में शुरू किया गया। हरियाणा के अंदर कहाँ? तो हरियाणा के अंदर पंचकूला में, पंचकूला जिले में इसे शुरू किया गया, हरियाणा के अंदर ये जिला है पंचकूला, ठीक है। और ये जो अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की जा रही है ये इसका 68th एडिशन है, 68th संस्करण है, ठीक है। उद्देश्य बताती हूँ कि ये क्यों ऑर्गेनाइज की जा रही है चैंपियनशिप। सो ओलंपिक गेम्स जो ऑर्गेनाइज की जा रही है उसमें ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी पार्टिसिपेट करें, इस चीज को इनकरेज करने के लिए चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की जा रही है, ठीक है। खेल की बात चल रही है तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे खेल मंत्री का नाम है, तो खेल मंत्री है किरण रिजिजू। क्या नाम है? किरण रिजिजू, ये याद रखना आपको। हरियाणा के बारे में भी डिस्कस करेंगे, यहाँ पर हरियाणा कैपिटल है चंडीगढ़, बहुत बार बताया कि पंजाब की कैपिटल भी चंडीगढ़ है। हरियाणा के अंदर चीफ मिनिस्टर का नाम है मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य है। हरियाणा के अंदर लोकसभा की सीटें 10, राज्यसभा की सीटें 5, विधानसभा की सीटें 90। फोक डांस रागिनी नेशनल पार्क सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई हरियाणा के बारे में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किसने BWF योनेक्स डच जूनियर इंटरनेशनल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो उनका नाम है तस्नीम मीर
और मानसी सिंह, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ये दोनों ही भारतीय बैडमिंटन प्लेयर हैं, भारतीय बैडमिंटन प्लेयर हैं, ये आपको याद रखा। और इन्होंने हाल ही में जो योनेक्स डच जूनियर इंटरनेशनल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की गई थी BWF के द्वारा, उसमें कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, गर्ल्स बैडमिंटन चैंपियनशिप, ठीक है, सिर्फ गर्ल्स प्लेयर इसमें पार्टिसिपेट की थी उन्होंने, तो इन्होंने इसमें ये दोनों खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता है, भारतीय प्लेयर है ये। ठीक है, यहाँ पर आपको BWF के बारे में बताऊंगी, उससे पहले आपको बता दूं कि ये जो चैंपियनशिप है ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज की थी। तो डच आपको पता है ना, नीदरलैंड को बोलते हैं। सो नीदरलैंड के अंदर एक जगह है हरलेम, नीदरलैंड के अंदर हरलेम में इस चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज किया गया था। BWF के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको नीदरलैंड के बारे में बताऊंगी। BWF फुल फॉर्म है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। क्या फुल फॉर्म है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। स्थापना 1934 में हुई है, हेडक्वार्टर्स का क्वाला लुमपुर में है, मलेशिया के अंदर। ठीक है, प्रेसिडेंट का नाम क्या है? तो प्रेसिडेंट का नाम है पॉल एरिक होयर लार्सेन। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ, पॉल एरिक होयर लार्सेन। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई BWF के प्रेसिडेंट के बारे में और स्थापना दिवस याद रखना है आपको जो। ठीक है, अब नीदरलैंड के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि नीदरलैंड में ऑर्गेनाइज की गई थी, तो यहाँ पे नीदरलैंड। कैपिटल एमस्टरडम, करेंसी यूरो, किंग का नाम है विलियम अलेक्जेंडर और प्राइम मिनिस्टर मार्क रुते। नीदरलैंड के बारे में याद रखना, नीदरलैंड लिखा जाए डच लिखा जाए सेम बात है, आंसर आप कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में भारतीय भूमि पतन प्राधिकरण के 8वें स्थापना दिवस को ऑर्गेनाइज किया गया था? सो भारतीय भूमि पतन प्राधिकरण, इसका जो 8वां स्थापना दिवस है, इसे हाल ही में न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। देखिए, ये जो भारतीय भूमि पतन प्राधिकरण, ये जो संगठन है ना, ये होम मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करते हैं। किसके अंदर? गृह मंत्रालय के अंदर, होम मिनिस्ट्री के अंदर ये अपना वर्क करते हैं। और इनका जो स्थापना दिवस है, इसलिए इसे ऑर्गेनाइज किया गया था इस पर कार्यक्रम, ताकि जो भूमि पतन जैसे मुद्दे हैं, जैसे कि यात्रा, क्षेत्रीय संपर्क जैसे मुद्दे हैं, इन सब पर चर्चा की जा सके। ठीक है, इसीलिए ये सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया था। और दिल्ली के बारे में हर बार मैं बताती हूँ कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का नाम याद रखना, अरविंद केजरीवाल नाम है उनका। हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें 70 सीटों में से 62 सीटें अरविंद केजरीवाल ने जीती थी, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता थे। रिमेनिंग 8 सीटें बीजेपी ने जीती थी, भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक है, आप लोग कहेंगे कि मैं इतनी बार रिपीट कर चुकी हूँ, पर ये इसीलिए रिपीट करती हूँ ताकि आपको याद रहे और जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं, जो न्यू व्यूअर्स हैं, उनके लिए हेल्पफुल हो सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में वर्ष 2020 के लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए कितने स्थानों को नामित किया है? तो भारत सरकार ने 2020 में जो विश्व धरोहर स्थल की सूची में जो भारतीय स्थान शामिल किए जाएंगे, उसके लिए 2 स्थानों को नॉमिनेट किया है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। पहले नॉमिनेशन होती है, उसके बाद उसे शामिल किया जाता है। ठीक है, विश्व धरोहर स्थल की सूची में, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो बनाया जाता है, उसके लिए जो कंट्री की गवर्नमेंट होती है पहले स्थानों को नॉमिनेट करती है, फिर उसके बाद उसमें से जो बेस्ट प्लेस होता है उसे सिलेक्ट करके वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जाता है। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। 2 स्थानों को नामित किया गया भारत सरकार के द्वारा, दोनों स्थान के नाम बताऊंगी। पहला है धोलावीरा, ये गुजरात में है। ठीक है, बहुत ही प्राचीन स्थल है ये। दूसरा है धक्कन सल्तनत के जितने भी किले हैं, उनकी जितने भी स्मारक हैं, उन सबको नामित किया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, दोनों जगह के नाम, धोलावीरा और धक्कन सल्तनत। सो ये आपको याद रखना है, और धोलावीरा आपको पता है गुजरात में है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका की कोरोना वायरस टास्क फोर्स में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो अमेरिका की जो कोरोना वायरस टास्क फोर्स बनाई गई है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, उसमें शामिल किया गया है सीमा वर्मा को। ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, सीमा वर्मा आपको बता दूं कि ये भारत अमेरिका स्वास्थ्य नीति की सलाहकार है, भारत अमेरिका स्वास्थ्य नीति सलाहकार है सीमा वर्मा, और इन्हें इस टास्क फोर्स में शामिल किया गया। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस कोरोना वायरस टास्क फोर्स का गठन किया, उसमें इनको शामिल किया गया। ठीक है, और यहाँ पर बता दूं कि ये जो टास्क फोर्स बनाई गई है, इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो इसकी अध्यक्षता करेंगे एलेक्स अजर।
अलेक्स अजर इस टास्क फोर्स की अध्यक्षता करेंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और कोरोना वायरस आपको पता ही है, अब इंडिया में भी आ गया है, सो अपनी प्रोटेक्शन अपने हाथों में है, प्रोटेक्ट रहिए हमेशा, फेस कवर करके चलिए और टाइम टाइम से हैंड वॉश करते रहिए, ठीक है। सो यहाँ पर ये आपको याद रखना है, कोरोना वायरस के बारे में आप लोग जानते होंगे, सबसे पहले ये चाइना के वुहान में पाया गया था, मैंने आपको बताया था ना, चाइना के अंदर एक जगह है वुहान, उसमें सबसे पहले ये कोरोना वायरस पाया गया था, ठीक है। और अब लगभग 10 से ज्यादा कंट्रीज में ये फैल चुका है। यहाँ पर अमेरिका के बारे में आपको बताऊंगी, यहाँ पर अमेरिका कैपिटल है वाशिंगटन, करेंसी यूएस डॉलर और प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई अमेरिका के बारे में, स्टैटिक जीके वाला पोर्शन जो कि आपको याद रखना है। और आज का आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किसने फ्यूल हमसफर ऐप लॉन्च की है, तो फ्यूल हमसफर जो ऐप है ये लॉन्च की गई है संतोष गांगवार के द्वारा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है यहाँ पर, संतोष गांगवार। सबसे पहले आपको बताऊंगी कि ये हमारे श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री हैं। कौन है ये? श्रम एवं रोजगार के राज्य मंत्री हैं संतोष गांगवार। और ये जो फ्यूल हमसफर ऐप है ना, इसे हाल ही में न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है। ये एक ना डोर स्टेप पर डीजल और फ्यूल प्रोवाइडिंग एप्लीकेशन है, ठीक है। इस एप्लीकेशन की मदद से जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो अपने डोर स्टेप पर फ्यूल और पेट्रोल की सुविधा ले सकते हैं और डीजल की सुविधा भी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, संतोष गांगवार आपको बता दिया मैंने, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री है। और आज का आखिरी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में शुधानंद महात्रो का निधन हो गया, आपको बताना कि निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे, तो शुधानंद महात्रो ये आपको बता दूं कि बांग्लादेश के बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध धर्म गुरु थे, बांग्लादेश के प्रसिद्ध बौद्ध धर्म गुरु थे, इनका नाम याद रखना है शुधानंद महापात्रो इनका नाम है, ठीक है। और इन्हें 2012 में इनके विशेष कार्यों के लिए बांग्लादेश सरकार के द्वारा एकुशे पदक भी दिया गया था, एकुशे पदक से इन्हें सम्मानित किया गया था 2012 में बांग्लादेश गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि ये बांग्लादेश से संबंधित थे, क्योंकि बांग्लादेश के बहुत ही फेमस धर्म गुरु थे, तो इसलिए बांग्लादेश के बारे में बताऊंगी। यहाँ पर बांग्लादेश, कैपिटल है ढाका, करेंसी है बांग्लादेशी टका, और प्रेजिडेंट अब्दुल हामिद, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई बांग्लादेश के बारे में, स्टैटिक जीके वाला पोर्शन हो गया, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं ये आपको याद रखने हैं। और जैसे कि हम लोग डेली आपको लास्ट में एक टेस्ट क्वेश्चन देते हैं, तो आज का टेस्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व हियरिंग दिवस कब मनाया गया, इन चार ऑप्शन में से बताना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है। मार्च के मंथ में जो इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए वो भी आपको रिपीट करें, क्योंकि मार्च का मंथ ये चल रहा है। और अगर थीम होगा तो थीम भी आपको बताना है, वैसे थीम तो मैंने बताया था, तो थीम भी आपको बताना है, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट करके आंसर भी बताइए, और ये भी बताइए कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़े हमारे साथ, थैंक यू।